हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में हर घर तक फाइबर लाइन पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बेहतर एवं सस्ते दामों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने को प्रतिबद्ध बीएसएनएल के दूरसंचार जिला धर्मशाला ने भारत एयर फाइबर अति आधुनिक प्रणाली का शुभारंभ कर दिया। भारत एयर फाइबर प्रणाली के माध्यम से ग्राहक हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट सेवा का लाभ उठा पाएंगे। ये सेवा वायरलेस है जिसमें फॉल्ट रेट की संभावना ना के बराबर है। उपभोक्ता इस सेवा के माध्यम से 30 से 50 एमपीपीएस तक की हाई स्पीड का लाभ उठा पाएंगे। भारत एयर फाइबर का मुख्य उद्देश्य शहरी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों इंटरनेट कैफे लघु इकाइयों तथा आउटडोर हॉटस्पॉट तक बेहतर इंटरनेट प्रणाली को पहुंचाना है ताकि समग्र विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। प्रथम चरण में कांगड़ा नगरोटा एवं सुराणी ज्वालामुखी में भारत एयर फाइबर की शुरुआत की गई है। भविष्य में चंबा के दृढ़ा खजियार साहूपुल बेली बकलोह बनीखेत बात्री चौबाड़ी देहरा के बनखड़ी डाडा सिबा ढलियारा पाइसा धर्मशाला के अंतर्गत चंडी दौलतपुर गगल मसरेड नूरपुर के जसूर राजा का तालाब डमटाल पालमपुर के मंडा बीड़ पालमपुर चटियार पंजरुखी सहित दर्जनों अन्य गांवों को भारत एयर फाइबर से जोड़ने की योजना प्रस्तावित है। उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही इन क्षेत्रों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा जो ग्रामीण परिवेश में डाटा के शौकीन उपभोक्ताओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। बीएसएनएल धर्मशाला के महाप्रबंधक प्रदीप सिंह ने कहा कि कांगड़ा और चंबा जिला में बीएसएनएल भारत एयर फाइबर सेवाओं को शुरू करने जा रहा है। जिला कांगड़ा में कांगड़ा ज्वालामुखी के समीप सुराणी और नगरोटा बागमा में ये सेवा शुरू की गई है। उपभोक्ताओं को अच्छी स्पीड मिल रही है। अगले 2 माह कांगड़ा और चंबा में 25 और जगहों पर भी ये सेवा शुरू की जाएगी। आगामी दिनों में बीएसएनएल के सभी टावर में ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि हम अपने हिमाचल प्रदेश के दोनों जिलों कांगड़ा और चंबा जिले में बीएसएनएल की एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत एयर फाइबर। आपको विदित ही होगा कि यहाँ पे जो हम लोग इंटरनेट की सेवा भी दे रहे हैं वो ब्रॉडबैंड के माध्यम से दे रहे हैं, एफटीटीएस के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे कुछ ऐसे उपभोक्ता छूट जाते थे जो कि हमारे टेलीफोन एक्सचेंज से काफ़ी दूरी पर, करीब 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूर पर रह रहे हैं और वो अकेले रह रहे हैं। तो अकेले उपभोक्ता के लिए ऑप्टिकल फाइबर डालना कई बार थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इकोनॉमिकली अगर देखें तो वो वाइबल भी नहीं होता। ऐसे उपभोक्ताओं को अब इंटरनेट सेवा देने के लिए ये सेवा बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि इसमें हम करते क्या हैं कि जो हमारा टावर जो पहले से हैं उस टावर पे एक हम अपना एंटीना लगा देंगे और वाईफाई या एयर के माध्यम से एक सीधे हम अपने कस्टमर को बिना किसी तार के उसको हम इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगे। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम 3 जगह कांगड़ा में इस सेवा को शुरू किया है। अभी हमने एक सुरानी है ज्वालामुखी के पास कांगड़ा में लगाया है और इसमें नगरोटा बंगवा में लगाया है और बहुत अच्छा हमें समर्थन मिल रहा है अपने उपभोक्ताओं से, अच्छे स्पीड मिल रही है उन्हें। अगर हम देखें तो सिर्फ उनको हम 849 रुपीज़ में 20 Mbps की स्पीड दे रहे हैं और उसमें हम 500 GB का डेटा दे रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगले 2 महीने में हम लोग कांगड़ा और चंबा में करीब 25 जगह और हम इस सेवा को शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट की सेवा है, टेक्निकली यहाँ पे फिजिबल है, फिर धीरे धीरे इसको करके जितने भी हमारे बीएसएनएल के टावर हैं उन सभी टावरों में ये सेवा कर देंगे। तो जिस टावर से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको हमको तीव्र इंटरनेट की सेवा की सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल, ये बेसिकली उन्हीं लोगों को मिलेगा सुविधा के लिए अच्छी सेवा है जो कि हमारे शहरी क्षेत्रों से थोड़ी दूर है, करीब 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के दूर है, ऐसा सारे उपभोक्ता इस सेवा से कवर हो जाएंगे।